घर में स्लैब की कास्टिंग करने के लिए। जो यहाँ पे हमारा घर है 1000 स्क्वायर फीट का, यहाँ पे नॉर्मल सा जो बीम होता है हमारा 8 इंच और 1 फिट का जो बीम है हमारा, कहीं पे हमारा स्लैब पे पैड बीम हो सकता है। इसकी कास्टिंग है 5 इंच। इसके लिए आपको जो लेबर लगने हैं, इसके लिए अलग अलग वो होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो आपको ये काम जो पूरा स्लैब ढाल करके प्रॉपर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो लेबर लेकर के आएगा 30 से 40 लेबर के अंदर, और इसका जो पर जैसे अगर रेजा है तो इसका रेट होगा 300 और कुली है तो इसका रेट होगा 500। ठीक है, अब वो रापा तसला जो होता है उनका वो लेकर के आते हैं, वो लेकर के आएगा कॉन्ट्रैक्टर मिक्सर मशीन जिससे आपकी कास्टिंग होगी। जो कि आपके जैसे ये मान लो आपका स्लैब है तो यहाँ पे वो मिक्सर मशीन फिट कर देगा, इस पे इस तरीके से चैनल फिट कर देगा, चैनल ये आपकी मशीन यहाँ लगा करके फिट कर देगा ये, और कास्टिंग आपकी शुरू कर देगा। घर पे जब भी आपका स्लैब कास्टिंग का काम चल रहा हो तो आपको इस तरीके से वाइब्रेटर जो है प्रॉपर चलवाना ज़रूरी है ताकि बीम में आपका एयर वर्क सारे जो है बाहर हो जाए। मिक्सर मशीन का जो रेंट है वो 3000 से 3500 रुपये तक होता है, जो कि यहाँ पे ये जो रेट है वो है ग्राउंड फ्लोर का जो आप स्लैब डालेंगे उसका ये रेट है। और इस पर आपको फ्यूल आपको देना है यहाँ पे, तो इस पर जो फ्यूल लगता है वो कम से कम आपका लगता है 1000 रुपये तक आपका फ्यूल लग जाएगा, 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का फ्यूल। तो वाइब्रेटर कैसे प्रोवाइड करना है, फिनिशिंग का काम भी चल रहा है साथ साथ। तरीके से जो माल गिर जाता है उसको वाइब्रेटर चलवा करके कॉम्पैक्ट कर लें। अरे शानदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको जो है लेबर प्रोवाइड करेगा क्योंकि माल खींचने में, और जहाँ से माल बन रहा है वहाँ से आपका यहाँ स्लैब स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक डालने में आपको रखना है अपने मिस्त्री, जो कि आपका मिस्त्री जो रहेगा वो आपका फिनिशिंग काम करेगा और जो वाइब्रेटर चलाने वाला काम है वो करेगा। ये सामने आपको दिख रहा है, यदि आप कुली कुली बुलाते हैं ओनली, मतलब मेल बेलदार, बेलदार बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पर रहेंगे आपको 30 और इसको 500 रुपये के पर हेड से आपको देना है तो जाएगा हमारा 15000। रेजा आपको नहीं बुलाना है, और मशीन का रेंट है हमारा 3000 रुपये, और एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा जो कि हो सकता है ऑटो भाड़ा का आपको शायद देना पड़ सकता है 500 से 1000 रुपये तक, और सामान का जो भाड़ा है वो आपको देना हो सकता है 500 रुपये तक, जो सामान लाएंगे उसका रापा तसला जो होता है। तो ये मिला करके हो जाएगा लमसम 20000, ये 1500 रुपये मान लो, ये 1000 मान लो, ये हो जाएगा 19000 रुपये में आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब है वो हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे जो आपको एक जो स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट का, ये आपको कास्टिंग पड़ रहा है आपको 19 रुपये पर स्क्वायर फीट।